अच्छा जी, कुछ समझ भी आ रही है अभी तक या वैसे ही सर के ऊपर से गुजर रहा है? आई होप कि अभी तक आप लोगों को सही समझ आ रही होगी और आप चीज़ों को साथ साथ ट्राई कर रहे होंगे। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, इसमें आपने साथ साथ सीखना है, साथ साथ चीज़ों को ट्राई करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप एक वीडियो या एक लेसन देखें तो उस चीज़ को ट्राई करें, ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को सिखाएं। सिखाने से बंदा सबसे ज़्यादा सीखता है। सो प्लीज़ यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। इस लेसन में हम बात करेंगे फीचर्ड इमेज की। फीचर्ड इमेज या फीचर्ड पिक्चर, क्या होती है फीचर्ड पिक्चर या फीचर्ड इमेज क्या होता है एग्जैक्टली? सो फीचर्ड इमेज इज़ योर मेन इमेज। ये वो इमेज है जो हर किसी को नज़र आएगा पहली दफ़ा जब वो आपकी वेबसाइट खोलेंगे, या ये वो इमेज भी है जो अगर आपने अपनी वेबसाइट को लिंक किया हो किसी सोशल मीडिया के पेज पे, जिस तरह फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, तो उधर भी जो उनको मेन इमेज एक नज़र आ रहा होता है, दैट इज़ नोन एज योर फीचर्ड इमेज। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट इमेजेस। इट्स ऑल्सो नोन एज द हीरो इमेज। इसको काफ़ी ऑनलाइन आप पढ़ेंगे तो लोग इसको एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसका हीरो इमेज, ये भी इसको कहा जाता है। इसको थंबनेल भी कहा जाता है। सो ये आपने कुछ लफ्ज़ हैं जो अपने जहन में रखने, हीरो इमेज, थंबनेल इमेज, फीचर्ड इमेज। दिस होल सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट इमेजेस, सो हम इसीलिए यहाँ पे बार बार इमेजेस और पिक्चर्स का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फीचर्ड इमेज इतना ज़रूरी क्यों है? व्हाई इज़ फीचर्ड इमेज सो इम्पॉर्टेंट कि पूरी वर्डप्रेस ने इसकी एक अलग से एक सेक्शन इसका दे दिया या इसकी एक फीचर दे दी है? वो इसलिए क्योंकि फीचर्ड इमेज अलाउज़ यू टू सेट अ हीरो इमेज फॉर योर पोस्ट और पेज, जो कि सोशल मीडिया पे फिर नज़र आएगा। इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ योर वेबसाइट। और काफ़ी ज़्यादा आप अगर वेबसाइट्स पे गए हों या वेबसाइट्स को विज़िट करते हो तो किस तरह आपको पता लगता है कि आपने इस चीज़ पे क्लिक करके या इस लिंक पे जाना है? वो इसीलिए क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छा सा आपको सामने एक इमेज नज़र आ रहा होगा, एक कवर फोटो टाइप नज़र चीज़ आ रही होगी। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ फीचर्ड इमेज। एक क्वेश्चन जो शायद आप अपने जहन में सोच रहे हो, कैन आई ऐड मोर देन वन फीचर्ड इमेज टू माय वेबसाइट? सो दिस रियली डिपेंड्स ऑन द थीम दैट यू आर यूजिंग, या प्लगइन्स की मदद से भी आप एक से ज़्यादा फीचर्ड इमेजेस ऐड कर सकते हैं। बट यूजली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थीम एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्लगइन्स यू आर यूजिंग। एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में आए, हाउ एंड वेयर विल द इमेज डिस्प्ले ऑन द वर्डप्रेस साइट? यूजली तौर पे ये वो पहला इमेज है जो आपके लिंक पे सबसे टॉप पे नज़र आता है, लेकिन काफ़ी थीम्स इसको डिफरेंट तरह से हैंडल करती हैं। हम आपको बताएंगे ये कैसे ऐड करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट रेफर टू योर थीम टू सी के फीचर्ड इमेज आपको एग्जैक्टली कहाँ पे नज़र आएगा। यूजली इट्स द फर्स्ट इमेज दैट यू नोटिस व्हेन यू ओपन अ पोस्ट और अ पेज। कुछ केसेस में कुछ थीम्स पेजेस पे ये इमेज नहीं दिखाती, बट दे स्टिल शो अप एज सोशल मीडिया पे जब आप इसको लिंक को शेयर करेंगे वहाँ ये इमेज फिर भी नज़र आएगा। एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में आए, कैन आई पिक अ फीचर्ड इमेज फ्रॉम गूगल? कि जी गूगल पे इतने ज़्यादा इमेजेस हैं, मैं कोई भी उठा के डाल लूँ, क्या ये सही है? सो यूजली आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट, क्योंकि जो भी इमेजेस इंटरनेट पे पड़े हुए हैं उनका एक सर्टन लाइसेंस होता है, और अगर आप कोई भी एक इमेज जो आपके पास लाइसेंस नहीं है उसको आप यूज़ करते हैं, यू कैन गेट इन ट्रबल एंड योर साइट कैन बी शट डाउन। सो बी अ लिटिल केयरफुल। हाँ, अगर आपके फ़ोन में कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं एज फीचर्ड इमेज, यू आर फ्री टू डू दैट। उसके अलावा कुछ साइट्स हैं ऑनलाइन जो आपको फ्री हीरो इमेजेस, स्टॉक इमेजेस भी फराहम करती हैं, उनको भी प्लीज़ रेफ़र कर लें।
एक और क्वेश्चन जो आपके जेहन में आएगा, इज इट ओके टू यूज इमेजेस यू नो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, कि जी गूगल से तो मैंने सर्च किया ही ठीक है लेकिन कोई भी इमेज उठा के मैं डाल लूँ? अगेन द आंसर इज शॉर्ट एंड स्वीट, नो इट्स नॉट ओके. प्लीज बी केयरफुल, लाइसेंस देखें उस इमेज का और उसको अकॉर्डिंगली यूज करें. सो हाउ टू सेट फीचर्ड इमेज, कैसे एक फीचर्ड इमेज आप सेट करेंगे? जैसे ही अपनी आप पोस्ट खोलेंगे आपको राइट साइड पे एक नजर आ रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं राइट साइड पे एक सेक्शन है फीचर्ड इमेज का, वो आपको नजर आ रहा होगा. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक सेट फीचर्ड इमेज, एंड जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स. उस डायलॉग बॉक्स से आप कोई भी एक नया इमेज ऐड कर सकते हैं या आप कोई भी इमेज जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. सो यू विल ऐड अ फीचर्ड इमेज लाइव विद अस. लेकिन इससे पहले कि आप फीचर्ड इमेज हमारे साथ ऐड करें, इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि फीचर्ड इमेजेस बाकी वेबसाइट्स पे कैसे दिखते हैं एंड हाउ डू दे अपीयर. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ mangobaz.com एंड beingguru.com. हम दोनों साइट्स को अब यहाँ पे लाइव खोलते हैं और हम देखते हैं कि फीचर्ड इमेजेस आपको कैसे नजर आएंगे. सो फर्स्ट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ mangobaz.com. हम इस साइट को खोलेंगे और हम इसमें देखेंगे कि फीचर्ड इमेज हमें कैसे दिखते हैं. सो एक तो आपको यहाँ पे कुछ थंबनेल्स नज़र आ रहे होंगे. दीज आर गुड एग्जांपल्स ऑफ फीचर्ड इमेजेस. सो अगर ये हॉन्टेड हाउस की यहाँ पे बात हो रही है तो ये जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है दिस इज़ अ फीचर्ड इमेज. अगर मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है एक टॉप पे इमेज, दैट्स अ फीचर्ड इमेज. ये जहन में रखें कि पोस्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं बट दोज आर नॉट फीचर्ड इमेजेस. फीचर्ड इमेज सिर्फ एक होता है यूजुअली तौर पे, एंड दैट इमेज इज़ द इमेज दैट शोज ऑन द टॉप. अच्छा, अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम beingguru.com खोल रहे हैं और beingguru.com पे वी आर सीइंग फीचर्ड इमेजेस. ये एक इमेज है जो आपको हर जगह नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फीचर्ड इमेज. खुद हम ऐड करेंगे. सो खुद हम ऐड करने के लिए व्हाट वील डू इज़ वील गो टू DigiSkills साद हामिद और डायरेक्टली हम इसको लॉगिन कर लेंगे एंड वील सी हाउ वी कैन ऐड अ फीचर्ड इमेज टू आवर वेबसाइट. सो मैंने लॉगिन किया एंड नाउ आई विल गो एंड क्रिएट अ न्यू पोस्ट एंड आई विल गिव इट अ टाइटल पोस्ट विद अ फीचर्ड इमेज. और यहाँ पे कोई कॉन्टेंट नहीं है, या मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हर डमी कॉन्टेंट. बट राइट पे अगर आप देखें नीचे दिस इज़ द प्लेस टू सेट अ फीचर्ड इमेज. और यहाँ से आई कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ द इमेजेस एंड देन आई कैन सेट अ फीचर्ड इमेज राइट फ्रॉम हियर. सो यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी. और आप देखेंगे जब ये फीचर्ड इमेज ऐड हो गया है तो ये आपको इसका थंबनेल यहाँ पे नज़र भी आएगा. आई कैन क्लिक ऑन सेव. आई कैन ओपन दिस ऑन न्यू लिंक एंड सी हाउ द अपीयरेंस चेंजेस. सो आप देख रहे हैं कि नाउ दिस पोस्ट हैज़ एन इमेज ऑन द टॉप. सो दिस इज़ वन वे टू ऐड अ फीचर्ड इमेज. आप इसके अलावा इसको अगर रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव पे क्लिक कर सकते हैं. अगर आप एक नया फीचर्ड इमेज डालना चाहें जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सो यू कैन यूज़ द सेम टेक्निक दैट आई टोल्ड यू कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से एक इमेज ऐड कर सकते हैं. सो आई विल क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम माय विंडोज़ का फोल्डर एंड आई कैन जस्ट सेट अ फीचर्ड इमेज हियर अगेन एंड आई कैन क्लिक ऑन सेव. इसी तरह पेजेस पे आप फीचर्ड इमेज भी ऐड कर सकते हैं. कुछ केसेस में थीम पे डिपेंड करता है कि वो नज़र आएगा कि नहीं है नज़र आएगा, बट इट गोज़ सेम फॉर पेजेस एज वेल. तो ये एक पेज है जिस पे मैंने आपके सामने एक डमी फीचर्ड इमेज ऐड किया है. मैं इसको अभी खोल के देखता हूँ कि इस थीम में ये दिखा रहा है कि नहीं, और ये दिखा रहा है. सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल वे टू सी हाउ यू कैन ऐड फीचर्ड इमेजेस. फीचर्ड इमेजेस मेक योर साइट ब्यूटिफुल. सो फीचर्ड इमेजेस को यूज़ करें, प्लीज़ किसी और के इमेजेस ना यूज़ करें. अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए यहाँ पे दिखा रहा था, लेकिन मेक श्योर यू गेट लाइसेंस्ड इमेजेस और ट्राई टू गेट इमेजेस फ्रॉम अ फ्री वेबसाइट जिधर इमेजेस इस तरह के फ्री अवेलेबल हों. यू विल गेट टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू प्ले विद इमेजेस. सो कीप लर्निंग विद अस एंड स्टे इन टच.